जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है ये शिक्षा दे रहे हैं कि भारत के पूरे वायसराय, आज का टॉपिक है हमारा भारत के पूरे वायसराय कितने हुए हैं, और ये वायसराय से जुड़े हुए सवाल जो है वो बहुत से एग्जाम्स में पूछे जाने वाले या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम इन वायसराय से जुड़े हुए सवालों को पढ़ेंगे वन टू वन, और ये क्लास आप लगातार लगाइएगा और अच्छे से सुन लीजिएगा कि हमारे देश में यानी कि भारत में कुल कितने वायसराय जो हैं वो आज तक आए हैं। प्यारे बच्चों, आज तक कुल कितने वायसराय हैं ये आपने काउंट करना है, और आपने कमेंट बॉक्स पर जो है जरूर हमें ये फीडबैक देनी है कि ये वीडियो भी आपको कैसी लगी और आज तक भारत में कुल कितने वायसराय हैं। तो स्टार्ट करता हूं मैं ज्यादा समय ना लेते हुए क्लास को। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि भारत के वायसराय मैं पढ़ाने जा रहा हूं, ये बात है सन 1857 की, जब क्रांति हुई थी तो उस वक्त भारत सरकार द्वारा अधिनियम पारित किए गए थे कि भारत में गवर्नर जनरल नहीं होंगे, और अब उनको गवर्नर जनरल की जगह क्या आएंगे, ये वायसराय आएंगे। क्या आएंगे? वायसराय भारत में होंगे, ना कि गवर्नर जनरल होंगे। उससे पहले यानी कि 1858 से पहले जो है भारत में कौन होते थे? गवर्नर होते थे। मगर आज का टॉपिक है भारत के वायसराय। ठीक है मेरे दोस्त बच्चों, तो इंग्लैंड की जो सामग्री के प्रतिनिधि थे के रूप में कार्य करते हैं, और अंतिम गवर्नर जनरल जो थे भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो उनका नाम था गवर्नर जनरल का लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा। और पहले वायसराय भी इन्हीं को ही नियुक्त किया गया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए टॉपिक रहेगा कि भारत के पहले और अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग इसका सही आंसर होगा। प्यारे बच्चों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो को शेयर भी करें और नोट भी करें। सबसे पहले आता है हमारा कि भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। मैं आपको इनका डायग्राम भी बता रहा हूं, फोटो दिखा रहा हूं। 1856 से लेकर 62 तक का इनका कार्यकाल रहा है। इनके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि इस वीडियो में आपको हर वायसराय के समय के दौरान में हुए मुख्य कार्यों को मैं उल्लेख करूंगा, और वन टू वन ये सभी वायसराय आपके सामने बताऊंगा। तो लॉर्ड कैनिंग के समय जो है सामान्य भर्ती अधिनियम 1856 में जो है नए सैनिकों को जो है भर्ती करने का कार्य शुरू हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा, इन्हीं के समय में यानी कि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1857 का विद्रोह हुआ है, 1857 का विद्रोह जो कि बैरकपुर मेरठ छावनी में हुआ था, आपको याद रखना चाहिए। तो इस विद्रोह के बाद जो है प्रशासनिक सुधार अंतर्गत भारत शासन कंपनी हाथों में चली गई और ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। इसके बाद जब 1857 का विद्रोह हुआ था, उस विद्रोह के बाद ही ये जो हमारा भारत का प्रशासनिक सुधार था यानी कि देश को कैसे सुधारा जाएगा, तो उसका डायरेक्ट जो लिंक था वो अंग्रेजों यानी कि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत आ गया था, पहले उनके अंतर्गत नहीं था। तो भारत के जो लॉर्ड कैनिंग है इन्होंने क्या क्या काम किया है? 1856 में इन्होंने विधवा पुनः विवाह यानी कि फिर से शादी, यानी कि घर वाला जब किसी का मर जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो दोबारा से शादी कर सकती है स्त्री, तो ये लॉर्ड कैनिंग द्वारा जो है बिल पारित किया गया था। इसी प्रकार से
व्ययगत सिद्धांत, यानी कि विलय की नीति को जो है वो भी समाप्त किया था इन्होंने, यानी कि विलय की नीति को भी जो मतलब नीति को समाप्त किया था। और 1856 में पैतृक संपत्ति का संबंधी कानून, यानी कि पैतृक संबंधी कानून क्या होता है, जैसे कि पिता की डेथ हो जाती है, माता की डेथ हो जाती है, तो पिता और माता की जमीन या उनका धन जो है वो किसको मिलेगा, उनकी संतान को मिलेगा, यानी कि पैतृक जो संपत्ति है वो उसके रिश्तेदार को, यानी कि धर्म जब परिवर्तन में व्यक्ति को उसके पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, यानी कि इस केस में जो है उसको मतलब उसको उसके माता पिता की क्या मिलेगी, जो प्रॉपर्टी है वो प्राप्त हो जाएगी। दूसरा, अगर अब धर्म परिवर्तन से भी, यानी कि कोई एक धर्म से दूसरे धर्म में जाता है तो भी उसकी संपत्ति, यानी कि उसके पैतृक संपत्ति जो है वो दी जाएगी। ये 1856 में जो है ये कानून लॉर्ड कैनिंग के समय में बनाया गया था। बच्चों, लॉर्ड कैनिंग के ही समय की मैं बात करूंगा कि भारत में जो है आर्थिक सुधारों के लिए इंग्लैंड के अर्थशास्त्री विल्सन को बुलाया गया था और उन्होंने 500 रुपए से अधिक पर टैक्स लगाया था, यानी कि किसी भी व्यक्ति की इनकम 500 रुपए से ज्यादा होती है तो उसके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया था। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो है आईपीसी, यानी कि इंडियन पेनल कोड जो है, यानी कि भारतीय दंड संहिता 1861 में शुरू की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो भी आईपीएस की बच्चे तैयारी कर रहे हैं या इन पुलिस वगैरह की तैयारी करते हैं, जैसे कि हिमाचल पुलिस, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस, किसी भी प्रकार की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आईपीसी की धाराएं। तो उसी आईपीसी की धाराएं स्टार्ट की गई थी 1861 में लॉर्ड कैनिंग के समय में। बंबई, कोलकाता, मद्रास में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 में के तहत एक एक उच्च न्यायालय बनाया गया था। ठीक है जी, इसके बाद आता है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लॉर्ड एल्गिन। लॉर्ड एल्गिन का कार्यकाल रहा है 1862 से 63 के तक का है। लॉर्ड एल्गिन सर्वोच्च न्यायालय, देखिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी और सदर न्यायालयों का को एक साथ कर दिया था, यानी कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो इनको जो है उन्होंने इकट्ठा किया था। नेक्स्ट, वहावियों ने जो है विद्रोह दबाने के दबन कर के जब वापस लौट रहे थे तो हिमाचल प्रदेश के शिमला में उनकी जो है मृत्यु हो गई थी। तो आप बात करें कि लॉर्ड एल्गिन की, हिमाचल की अगर मैं बात करूं, हिमाचल जीके की, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि कौन सा वायसराय है जिनकी डेथ जो है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है। तो सभी बच्चों को बोलूंगा हिमाचल से जुड़े हुए अगर हिस्ट्री की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा लॉर्ड एल्गिन की जो है वो, उन्होंने विद्रोह थे दबाने गए थे और वहां पर उनकी डेथ हो गई है, मृत्यु हुई है, कहां हुई है, शिमला में हुई है। ठीक है, कब हुई थी, 62-63 में। ठीक है, इनका बहुत ही कम समय रहा है जो वायसराय का। सर जॉन्स लॉरेंस 64 से लेकर 69 तक थे। ये भारत का रक्षक भी कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, भारत का रक्षक कहा जाता है। 1857 के समय ये पंजाब के गवर्नर थे, क्या थे, पंजाब के गवर्नर। 65 में इन्होंने क्या किया है, भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया था। 66 में लॉरेंस अफगानिस्तान में रूस की बढ़ती हुई सेना का विरोध नहीं कर रही थी, उसके लिए कुशल आक्रमणकर्ता की नीति भी इन्होंने अपनाई थी, यानी कि उन्होंने लड़ा था। इनके समय में ही 1866 में उड़ीसा, बुंदेलखंड और राजपूताना भीषण अकाल पड़ा था उस वक्त इस जगह पर, तो इन जगह पर इनके ही समय में जो है वो क्या पड़ा था, वो पड़ा था अकाल पड़ा था। ठीक है जी, ये याद रखिएगा किस वायसराय के समय में भीषण अकाल पड़ा था, तो इन्हीं के काल में था। नेक्स्ट आ जाता है हमारे साथ में ही, इन्होंने चेम बेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया था। फिर इन्होंने
चैम्बेल जो थे, हेनरी चैम्बेल बोलेंगे, हेनरी चैम्बेल जो थे इनके नेतृत्व में, यानी कि व्यक्ति को लगा दिया कि भाई अब तू काम लग पर। तो कौन था? हेनरी चैम्बेल, जिनको बोला कि अकाल गठन कर लेते हैं और उसमें से हम उनका उनको राहत देते हैं। तो भारत में यूरोप, भारत और यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ, समुद्री माध्यम से जो है 1865 में जो है वो शुरुआत की गई थी समुद्री टेलीग्राफ की, याद रखिएगा इन्हीं के काल में। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो है, इनका कार्यकाल 69 से 72 तक का रहा है। इन्होंने पहले ही आते ही देखो भाई 1% से 2.5% कर दिया, यानी कि टैक्स कर दिया था, ठीक है जी, और बजट को घटाकर कम करके अधिकारियों को वेतन में जो है कटौती कर दी थी और उनका वेतन भी कटा दिया, यानी कि उनकी जो सैलरी थी वो भी कम की। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी बच्चों को बताऊंगा, इसमें अरुण जेटली जी भी पढ़े हैं, ठीक है जी। तो मेयो कॉलेज की जो स्थापना 1872 में की है, बहुत ही फेमस स्कूल है यहाँ पर अजमेर राजस्थान में है। इन्होंने भारत में आर्थिक विवेकीकरण लागू की नीति और 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा इनका काल में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी और पंजाब में इन्हीं के समय में कूका आंदोलन, कूका आंदोलन भी हुआ है 1872 में। तो याद रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली आ जाता है एसएससी के एग्जाम्स के लिए, कूका आंदोलन कब हुआ 1872 में, उस वक्त कौन थे वायसराय, तो लॉर्ड मेयो थे। और भारत में पहली जनगणना, भारत में बच्चों पहली जनगणना भी 1872 में इन्हीं ने करवाई थी, इन्हीं ने यानी कि लॉर्ड मेयो के ने ही 1872 में जो है पहली जनगणना भारत की, नहीं तो उन्होंने तो जनगणना ही नहीं की थी अभी तक, तो पहली जनगणना भी इन्होंने ही करवाई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड नॉर्थ। कौन आ जाते हैं? लॉर्ड नॉर्थ आ जाते हैं, जो कि 1872 से लेकर 76 तक का समय है इनका। इनके समय में भी अकाल पड़ा था बंगाल और बिहार में, ठीक है, याद रखिएगा ये बंगाल वाले, वेस्ट बंगाल वाले और बिहार के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि उनके लिए जो है लेखापाल और साथ में पुलिस की जो भर्ती आती है उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है लेखापाल की में। नेक्स्ट आता है बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में जो है मद्रास की जेल में भी भेजा गया है। इनके समय में ही स्वेज नहर, ठीक है, खुल जाने पर भारत और ब्रिटेन के बीच जो है वो व्यापार में वृद्धि हुई थी। नेक्स्ट आता है 1873 में मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्यवाहियों को बंद करना है, ये इन्होंने कहा था, ये लफ्ज कहे थे 1873 में। इसके बाद साथ में ही लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन आए थे इसके बाद, जिनका समय जो है 76 से 80 का है। इनके समय में जो है या इनकी बात की जाए तो ये कि ये बहुत ही बढ़िया यानी कि उपन्यासकार थे, यानी कि उपन्यास लिखते थे, कवि थे, कुटीन नीतिज्ञ भी थे, लेखक भी थे और बहुत ही अच्छे। और इनकी जो बुक है ओवन मेरिडिथ के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनके समय में बंबई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब और मध्य भारत में अचानक ही अकाल पड़ा था। इन्होंने भी रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में जो है अकाल आयोग की इन्होंने भी स्थापना की थी। हर कोई करता है भारत में, क्या हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में भी उन्होंने यहाँ पर भी आयोग बनाया था, जो कि सभी हिमाचल वासियों के जो है जितना भी नुकसान हुआ इस बरसात में तो उसको देखे, तो उनको देखने के लिए हर बार कोई ना कोई कमेटी का जो है वो गठन किया जाता है। इसी प्रकार से ब्रिटेन की जो महारानी है विक्टोरिया, उनको केसर ए हिंद, महात्मा गांधी को भी केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, वैसे विक्टोरिया जो है महारानी उनको भी केसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी। और 1 जनवरी 1877 में दिल्ली दरबार
का आयोजन भी किया था। तो इन्होंने दिल्ली दरबार का भी आयोजन किया था, कब? 1877 में। नेक्स्ट आगे आ जाता है, इन्हीं के समय में समाचार पत्र, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम भी पारित हुआ है, जो कि 1878 में प्रकाश सोम प्रकाश ने जो है ये समाचार पत्र को आगे किया था, पारित किया था और कठोर प्रतिबंध लगा दिया था इन्होंने इसके ऊपर समाचार पत्र को पब्लिश करने के लिए। 1878 में ही भारतीय सशस्त्र अधिनियम पारित हुआ था। इसके अनुसार लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति न तो शस्त्र रख सकता है न ही व्यापार कर सकता है। हर किसी को परमिशन लेनी पड़ेगी कि उसने कोई हथियार रखना है। जैसे आज के समय में किसी ने हथियार रखना है तो सबसे पहले लाइसेंस रखना होना जरूरी है। ये इन्हीं के काल में यानी कि लॉर्ड लिटन के समय से ही शुरू हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, कई बार पेपर में आता है, 1878 से 80 के बीच में हुआ था और गडमक की संधि और द्वारा जो युद्ध हुआ था वो भी इन्हीं के द्वारा समाप्त करवाया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिनका समय जो है 1880 से 84 का रहा है। इनके सुधार कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है कार्य स्थानीय स्वशासन था, यानी कि स्थानीय मतलब लोकल को ज्यादा इन्होंने तजुबुक दी थी। भारत में 1881 में सर्वप्रथम नियमित जनगणना जो है इन्होंने करवाई थी, और नियमित जनगणना होती है मतलब हर 10 साल बाद जो है इन्होंने बोला था कि जो अंतराल में जो है वो जनगणना होगी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। मगर इस साल जो है जो ये जनगणना इनके द्वारा करवाई जा रही थी हर 10 साल के बाद, यानी कि पहली जनगणना 1881 में हुई थी, तब से ये कंटिन्यू चल रही थी, मगर 2021 में जो है वो जनगणना वो नहीं हो पाई है भारत सरकार से। भारतीय मजदूरों की स्थिति में सुधार, प्रथम कारखाना अधिनियम जो है, यानी कि मजदूरों की जो स्थिति है वो भी एक चेक करने वाली बात होती है, तो उसके लिए भी किया था कि 12 वर्ष से कम आयु का कोई बच्चा होगा तो उसको हम रोकेंगे कि भैया वो उससे मतलब ज्यादा समय जो है वो काम ना ले, तो उसका भी 12 वर्ष की कम आयु के बच्चों का काम करने के घंटे निर्धारित कर दिए थे कि अगर छोटा बच्चा है तो उसका कितने समय तक वो काम कर सकता है, उसका भी इन्होंने समय का भी प्रावधान रखा था। और 1882 में शैक्षिक सुधारों के लिए हंटर कमीशन का गठन किया था और सर विलियम हंटर को अध्यक्ष बनाया था, इसीलिए इसको हंटर गठन या हंटर कमीशन गठन भी कहा जाता है, नाम के ऊपर ही आता है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? सर विलियम हंटर। इन्होंने प्राइमरी स्कूल जो होते हैं और माध्यमिक स्कूल उन्हीं के ऊपर जो है बल दिया था। याद रखिएगा प्राइमरी स्कूल किसके? लॉर्ड रिपन द्वारा, और माध्यमिक जो है जो हायर सेकेंडरी है वो लॉर्ड रिपन द्वारा ही शुरू किए गए हैं। इन्होंने समाचार पत्रों को स्वतंत्रता को भाल करते हुए 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था, वर्नाक्यूलर एक्ट समाप्त किया था इन्होंने, और प्रेस को यानी कि समाचार पत्रों को जो है प्रकाशन के ऊपर जो है इन्होंने बोला था कि वो स्वतंत्र होना चाहिए। नेक्स्ट है, यूरोपियों ने विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा जो है मुकदमों की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक 1873 में प्रस्तुत किया था, जिसमें का विरोध जो है यूरोपियों ने बहुत ज्यादा किया था, और इसको हमने श्वेत विद्रोह भी कहा है। श्वेत विद्रोह कब हुआ था याद रखिएगा? तो ये श्वेत विद्रोह हुआ था 1883 में। किसके काल में? लॉर्ड रिपन के समय में। आगे आ जाता है लॉर्ड रिपन में ही, इनको भारत के उद्धार धारक या फ्लोरेंस नाइटगेल ने कहा था कि भारतीय लोग जो हैं सज्जन रिपन के रूप में भी याद करते रहेंगे, यानी कि इनको जो है सज्जन रिपन के नाम से भी जानेंगे भारतीय लोग, क्योंकि इनके जो काम है वो बहुत ही अच्छे थे, इसीलिए इनको स्वर्ण युग, भारत का स्वर्ण युग आरंभ भी कहा जाता है। ठीक है, इनके शासनकाल को
उसने भारत में के खो जाने के द्वारा जो मतलब जो द्वार थे भारत के बढ़ने के स्थिति के वो उन्होंने ही खोले थे। और अल्बर्ट डाइट ने रिपन के बारे में ये कहा था कि उन्होंने जो है भारत के खो जाने के द्वार खोल दिए हैं कि वो भारत जो है वो खो जाएगा और यहां से उन्होंने जो है ये रास्ता खोल दिया, यानी कि सभी भारतीयों को नई सोच दे दी है और यहां से हमारे पास भारत छूट सकता है। तो इनको थोड़ा सा पहले से ही आइडिया लगना शुरू हो चुका था। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड डरफिन, 1884 से लेकर 88 तक रहे हैं, 1885 से 88 तक रहे थे। आंगल तृतीय वर्मा युद्ध हुआ है, याद रखिएगा वर्मा युद्ध, आंगल वर्मा युद्ध कब हुआ है तो ये है 85-88 में हुआ था। तो राष्ट्रीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भी इन्हीं के समय में AOUM ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी तो वो की थी AOUM 1885। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इनके समय में ही अवध टेंसी एक्ट, बंगाल टेंसी एक्ट और पंजाब टेंसी एक्ट ये सब पारित किए गए हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना भी इन्हीं के समय में की गई थी और पूर्व में इसे ऑक्सफोर्ड किया कहा जाता था। पहले क्या कहा जाता था, ऑक्सफोर्ड कहा जाता था, उसके बाद इसका नाम इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो है वो रख दिया गया। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लैंसडाउन, लॉर्ड लैंसडाउन आए हैं, सभी गिनते रहिएगा कितने वायसराय जो है वो भारत के इतिहास में आए थे। तो लैंसडाउन के समय में ही सर डुरेंड को ने जो है अफगानिस्तान भेजा गया था, जिनके प्रयासों से जो है भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो मध्य रेखा है डुरंड लाइन वो रखी गई है। डुरंड लाइन जो है वो इन्हीं के नाम पर रखी गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाता है 1891, दूसरा फैक्ट्री एक्ट लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन इससे अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया, यानी कि 11 घंटे से अधिक समय पर जो है ये ज्यादा समय नहीं लगाएंगी स्त्रियां। ये इन्होंने ही एक्ट पास किया था, कब किया था, 1891 में। दूसरा आपने ये याद रखना है भारत अफगानिस्तान की लाइन जो है डुरंड लाइन थी और ये इसको लैंसडाउन के समय में भेजा था। विदेश सचिव हुआ करते थे ये, कौन होते थे विदेश सचिव, सर डुरंड, कौन होते थे, सर डुरंड जो है विदेश सचिव थे, किसके थे, लैंसडाउन के। तो उनको भेजा अफगानिस्तान और अफगानिस्तान में उन्होंने जाकर क्या किया था कि उन्होंने प्रयास किए थे, पर फिर जो कि कौन कौन सी जो है वो बॉर्डर लाइन बनाएंगे हम भारत और अफगानिस्तान के बीच, तो ये बनाई थी। इसके बाद आगे आ जाते हैं लैंसडाउन के ही इन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट भी पास किया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय व प्रांतीय काउंसिल भारतीयों की संख्या की में वृद्धि हो गई है, उसको चेक करना था। इंडियन काउंसिल एक्ट द्वारा अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें वो भी इन्होंने ही नीति अपनाई थी। इनके समय में ही प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आए थे, याद रखिएगा प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत आए थे इन्हीं के समय में। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, तो इनके समय में क्या आया था ये वायसराय, एक तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने इन्हीं के समय में 1896 में वंदे मातरम जो गान है वो लिखा है, और 1896 में से लेकर 47 तक अधिवेशन में ये गाया भी गया है। तो पहली बार जो 1947 को छोड़िए 1896 में जब अधिवेशन हुआ था तो पहली बार इसको गाया गया है, ऐसे 1947 में भी गाया गया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसलिए इस चीज को जो है आप लर्न रख सकते हैं। तो इसके बाद आ जाता है 1893 की बात कर रहे हैं, जो तिलक द्वारा जो है गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव भी मनाया जाना शुरू हुआ है, क्रांतिकारियों को जागृत करने के लिए बनाए गए थे शिवाजी और गणेश उत्सव, याद रखिएगा गणेश उत्सव और को बनाया गया 1893 से शुरू किया था और शिवाजी उत्सव जो है 1895 से शुरू हुआ है, किसके लिए हुआ है, क्रांतिकारियों को जागृत करने के लिए हुआ था शुरू। इनके समय में ही पहला समाचार पत्र काल निकाल
जिसका संपादन जो है ब्रह्मदेव ने जो है उपाध्याय ने किया था। काल अकाल जो है समाचार पत्र किसने निकाला था, तो याद रखिएगा काल निकाल जो समाचार पत्र है वो ब्रह्मदेव जो उपाध्याय थे उन्होंने के द्वारा ही निकाला गया था। लॉर्ड एल्गिन के ही आगे बताऊंगा, उनके ही समय में उन्होंने कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता जा सकता है या जीता गया है, तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा भी की जाएगी या होगी। 1897 में बंबई में प्लेग बीमारी फैल गई थी और बंधुओं ने जो है प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेड एंड एस्टमर्ड की भी हत्या कर दी गई थी, उन्हीं के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वायसराय वो है हमारे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन अगले वायसराय थे जिनका समय काल है 1899 से लेकर 1905 तक का, 1899 से 1905 तक का है। इनके समय क्या हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें दूसरा औरंगजेब भी कहा है। किसको, लॉर्ड कर्जन को गोपाल कृष्ण गोखले ने दूसरा औरंगजेब कहा है, भारत का दूसरा औरंगजेब कहा है इसको। 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मार्क्रीफ की अध्यक्षता में ही सिंचाई आयोग की गठन किया गया है। सिंचाई आयोग का गठन कब हुआ था, 1901 में। 1902 में सर एंड्रूस फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस सुधार आयोग की स्थापना की गई है। 1902 में ही शैक्षिक सुधार किए गए थे और सर टॉम्स रैले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का गठन भी किया गया है जो कि विश्वविद्यालयों को जो है वो देखता है। इन्हीं के आगे समय में क्या क्या हुआ है, 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया, जैसे मैंने बताया जो देखते हैं। मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में ही अकाल आयोग का फिर से गठन हुआ है। 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम द्वारा भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा और मरम्मत, जितने भी हमारे हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनको संभालना है यानी कि देखना है और साथ में उनका मरम्मत भी करवानी है, उसका भी इन्होंने ध्यान रखा और भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी की। तो भारतीय पुरातत्व की स्थापना भी 1904 में ही इन्हीं के द्वारा यानी के शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में की गई। भारतीय इतिहास में सबसे अधिक रेलवे लाइन का जो विस्तार है वो भी इन्हीं के समय में किया गया है। किसके के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में ही भारतीय रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है, 1901 में रॉबर्टसन की अध्यक्षता में ही रेल व्यवस्था में सुधार हेतु जो है रेलवे आयोग की स्थापना की गई थी। याद रखिएगा रेलवे आयोग की जो है वो स्थापना की गई थी। आगे चलेंगे, लॉर्ड कर्जन के ही समय में बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे बच्चों, इसको ध्यान से सुनते रहिएगा। 1905 में बंगाल का विभाजन, कई बार पेपर में आता है बंगाल विभाजन कब हुआ, 1905 में हुआ था और बंगाल प्रांत जो है बड़ा होने के कारण जो है प्रशासनिक असुविधा होती थी, लेकिन वास्तविक कारण जो है बंगाल में राष्ट्रीय एकता को कम करना था। क्या था कि राष्ट्रीय एकता यानी कि राष्ट्र को जो जोड़ रहे थे उसकी एकता को तोड़ने के लिए बंगाल को तोड़ा गया था अंग्रेजों के द्वारा 1905 में। नए बंगाल प्रांत में लेफ्टिनेंट एंड्रूस फ्रेजर ने सांप्रदायिक आधार पर कहा था कि मेरी हिंदू और मुस्लिम दो पत्नियां हैं, यानी कि मेरी हिंदू और मुस्लिम दो पत्नियां हैं जिसमें मुसलमान तनी मुझे अधिक प्रिय है। ये हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़वाने के लिए जो है उन्होंने ये वचन दिए थे या उन्होंने उस वक्त शब्द बोले थे, तो इसलिए याद रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट आ जाता है लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो का समय रहा है 1905 से लेकर 10 तक। कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस ने 1906 में अपना लक्ष्य जो है स्वराज्य घोषित कर दिया था, यानी कि अब जो है हम
पूर्ण स्वराज्य की तरफ चलेंगे। तो ये 1906 में जो है लगभग उन्होंने स्वराज्य की घोषणा कर दी थी। 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था 1907 में? सूरत अधिवेशन, जिसमें कांग्रेस का विभाजन गरम और नरम दल में, क्योंकि कुछ जो लोग थे वो नरम दल में थे और कुछ लोग जो थे वो गरम दल में आ गए थे। और 1908 ईस्वी में 6 वर्ष की सजा को देकर बाल गंगाधर तिलक को जो है उन्होंने राजद्रोह के आरोप में जो है मांडले जेल में भेज दिया था। उस वक्त कब भेजा था? 1908 में। याद रखिएगा इस चीज को, बंगाल विभाजन को याद रखिएगा, दूसरा याद रखिएगा सूरत अधिवेशन को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। किसके काल में? लॉर्ड मिंटो के काल में। आगे आ जाता है लॉर्ड मिंटो के ही काल में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगा खां और नवाब सलीम उल्लाह खां के नेतृत्व में जो है ढाका बांग्लादेश की बात करें, 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई और इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो अगा खां और नवाब सलीम उल्लाह थे। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906। नंबर दो, इसके प्रमुख नेता कौन थे। नेक्स्ट आता है भारत के सचिव मार्ले के सहयोग से जो है भारतीय परिषद एक्ट, और साथ में 1909 मार्ले मिंटो सुधार भी लाया गया, क्योंकि मार्ले मिंटो जो थे वो इस सुधार के लिए जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए थे, इसलिए मार्ले मिंटो जो अधिनियम है वो उन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई थी, इसलिए मार्ले मिंटो सुधार लाया है, लाया गया था अंग्रेजों के द्वारा 1909 में। 1909 में जो है मार्ले मिंटो सुधार लाया, अधिनियम लाया था। तो सवाल एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था या किसके समय में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्ले मिंटो लॉर्ड मिंटो के समय में आया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे लॉर्ड हॉर्डिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वायसराय है हमारे भारत के, जो कि 1910 से लेकर 16 तक रहे हैं। इनके काल में जो है मतलब ये ब्रिटेन के जॉर्ज पंचम इनके ही समय में आए थे, ठीक है जी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री आए थे। और 12 दिसंबर 1911 को इन्हीं के समय में दिल्ली दरबार में बंगाल जब विभाजन को रद्द किया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली में स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी। इन्होंने या इनके समय में को किसके लॉर्ड हॉर्डिंग के समय में ही भारत की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली करने की घोषणा की। और 1912 में जो है भारत की जो है इसको राजधानी बना दिया गया। नेक्स्ट आता है इनके समय में ही 1912 में ही रास बिहारी बोस द्वारा बम फेंका गया था, जिसमें ये घायल हो गए और इस केस में बाल मुकुंद को जो है फांसी भी दी गई थी, ठीक है, बाल मुकुंद को जो है वो फांसी दी गई थी। आगे इनके समय में बहुत अच्छे से क्वेश्चंस बनते हैं इनके समय के। 1911 में ही पहली बार इलाहाबाद से नैनी तक की हवाई सेवा जो डाक है पहुंचाने की, वो भी शुरुआत इन्हीं के समय में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है गीतांजलि पुस्तक जो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी है 1913 में, ठीक है, उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1913 में गीतांजलि पुस्तक के लिए। और ऐसे बता देता हूं, नोट कर ली सकते हैं आप, 1901 से नोबेल प्राइज देना शुरू हुए थे, जो कि भारतीय पहले जो है वो 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि पुस्तक के लिए जो है वो दिया गया था नोबेल प्राइज। इन्हीं के समय में लॉर्ड हॉर्डिंग के ही समय में पहला विश्व युद्ध भी हुआ है, जिसमें भारतीयों ने जो है वो अंग्रेजों की तरफ से जो है युद्ध किया था। 1916 में इन्होंने ही बनारस विश्वविद्यालय के कुलपति को भी नियुक्त किया था। नेक्स्ट आ जाते हैं जेम्स फोर्ड, इनके समय काल देख सकते हैं 1916 से 21 तक का रहा है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय, ठीक है, जो कि कन्याओं के लिए था, वो पुणे महाराष्ट्र में जो है डी के कर्वे द्वारा जो है वो खोला गया था,
नेक्स्ट आता है शिक्षा के सेंट्रल आयोग का गठन किया गया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं का निवारण हेतु 1917 में किया गया था गठन। पद्म या पंडित मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट द्वारा जो है 1915 में हिंदू महासभा का गठन किया गया था। और नेक्स्ट आते हैं माइंटू चेम्सफोर्ड सुधार और रॉयल एक्ट। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा रॉयल एक्ट 1919 में पारित किया गया था। किसके समय में? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। आगे आ जाता है इनके विरुद्ध में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह भी बहुत से लाए गए हैं, वो भी 1916 से 21 के बीच में लाए गए थे। 13 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यहां पर हुआ क्या था, रॉयल एक्ट का विरोध करने के लिए जो है ये इन्होंने एक जगह जनसभा बुलाई थी। तो इन्होंने क्या किया था, जलियांवाला बाग, पहले तो मैं बता देता हूं, जलियांवाला बाग जो है मैं जनरल डायर ने जो है वो गोलियां चलवा दी थी, जिसमें सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जो है वो 380 के लगभग जो है वो मौतें हुई थी, और कांग्रेस समिति के अनुसार जो है 1000 से ज्यादा जो है व्यक्तियों की को मौत के घाट उतार दिया गया था जनरल डायर के द्वारा। तो इससे याद रखने वाली है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। नेक्स्ट आता है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, और वो लखनऊ अधिवेशन में हुआ था। कहां पे हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। इन्हीं के समय में असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा और खिलाफत आंदोलन भी आरंभ हुए हैं 1920-22 में 21 तक। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट है कि किसके काल में जो है या किसके समय में खिलाफत आंदोलन या असहयोग आंदोलन हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है आगे चेम्सफोर्ड के ही समय में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1917 में गांधी जी ने चेम्सफोर्ड के ही समय में जो है वो किया था। होम रूल लीग की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है 1916 में हुई थी। बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट, जैसे मैंने पहले बताया एनी बेसेंट, इन दोनों के समय में जो है ये स्वशासन को प्राप्त करने के लिए जो है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट आते हैं 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत ज्यादा सुर्खियों में भी रहता है अलीगढ़ विश्वविद्यालय, यानी कि यूनिवर्सिटी है अलीगढ़। तृतीय अफगान युद्ध भी 1920-21 में हुआ था इन्हीं के समय में। इनके समय में ही सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले भारतीय बने थे जिन्हें बिहार का गवर्नर बनाया गया था। याद रखिएगा सभी बिहार के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि बिहार का पहला भारतीय कौन था जिसे जो है गवर्नर बनाया गया था, और पहला भारतीय कौन था जिन्हें भारत का ही यानी कि उस प्रांत का मतलब गवर्नर बनाया गया, तो पहला कौन था, तो उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे वायसराय लॉर्ड रीडिंग, इनका समय है 21 से 26 तक का। इन्हें एकमात्र यहूदी थे जो कि ये पहले मतलब फर्स्ट वायसराय रहे हैं अयहूदियों में। और रूस में 1921 में जो है इनके नाम पर इन्होंने क्या किया है, देखिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का भी गठन जो है 1921 में एम एन राय द्वारा जो है वो करवाया या उन्होंने किया था। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा फिर से की थी, और भारत में हड़ताल का आयोजन भी इन्हीं के समय में जो है वो किया गया है। 1921 में ही केरल में मोपला युद्ध या विद्रोह भी हुआ है। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड, देखिए चोरा चोरी कांड यूपी में हुआ है, नोट करिएगा गोरखपुर जिला है, ठीक है, के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि इंपॉर्टेंट है एक तो चोरा चोरी कांड कब हुआ, चोरा चोरी कांड है क्या,
वो ये है कि सभी पुलिस स्टेशन में जो है 21 कर्मचारी थे, उन सबको हमारे क्रांतिकारियों ने जला दिया था गुस्से में आके, तो क्योंकि उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड किया हुआ था, तो उससे गुस्सा होकर जो है उन्होंने चोरा चोरी कांड किया। तो गांधी जी ने इसे रुष्ट होकर यानी कि दुखी होकर जो है असहयोग आंदोलन लिया। पर हम पेपर के व्यू से देखें तो चोरा चोरी कांड कब हुआ, असहयोग आंदोलन समाप्त कब हुआ, ये दोनों सवाल बनते हैं, और चोरा चोरी कांड कहां पर हुआ था, ये तीन यहां पर बन जाएंगे। तीन सवाल एक लाइन में आपको पूरा का पूरा नोट करते रहिएगा सभी बच्चे। इन्हीं के समय में मैं एक और बता देता हूं, चित्रंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने ठीक है इलाहाबाद में कांग्रेस में की जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई, किसके काल में हुई, और इसके प्रमुख नेता कौन थे, और कहां पर हुई, इलाहाबाद में हुई। तीन चार क्वेश्चन एक ही लाइन से बनते हैं। नेक्स्ट आ जाता है 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन जो है डकैती की थी, किस किसने की थी, तो डकैती मतलब यानी कि लूटा था सरकारी खजाने को, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहड़िया और रोशन सिंह और अशफाक उल्ला, इन तीनों ने किया था, और इनको तीनों को फांसी दे दी गई थी, और निशुल्क पैरवी पर जो है यानी कि इनके जो लॉयर थे वकील थे उन्होंने निशुल्क यानी कि बिना पैसों के जो है भानु चंद्र गुप्ता ने जो है वो पैरवी की थी कि हम भैया पैसा नहीं लेंगे। 1925 में नागपुर में के बी गेडवार द्वारा जो है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी कि आरएसएस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, आरएसएस की स्थापना जो है वो 1925 में नागपुर में के बी हेड गेवार द्वारा जो है वो आरएसएस की स्थापना की गई है। बच्चों को आज तक नहीं पता चलता कि आरएसएस की स्थापना किसने की थी, याद रखने वाली इंपॉर्टेंट चीज रहेगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे नए वायसराय लॉर्ड इरविन, जो कि 31 तक यानी 26 से 31 तक रहे थे। 27 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था, और साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो 28 में आया था, जिसका विरोध जो है वो किसने किया था, लाला लाजपत राय ने, और उनको लाठियों से मारा था इन अंग्रेजों ने, तो इनकी मृत्यु हो गई थी। और 28 में ही मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही एक रिपोर्ट पेश की गई थी, और उस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट ठीक है। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी, 1928 में ही आई थी। इन्हीं के समय में जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई थी, तो उसके विरोध में जो है एक सुरक्षा विधेयक के लिए जो है भारत में चरमपंथियों द्वारा जो है दिल्ली असेंबली में के हॉल में बम फेंक दिया गया। जो फेंकने वाले थे वो भगत सिंह थे और बटू केशवर दत्त थे, उन्होंने वहां पर फेंका था असेंबली में जहां पर स्पेस खाली था और सभी व्यक्तियों को किसी को भी कोई हानि ना पहुंचती, वहां पर फेंका था, और उन्होंने जो है वहां पर अपने आप को अरेस्ट करवाया था। और तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इसके बाद 1929 में कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य की जो है घोषणा कर दी गई, और 26 जनवरी 1930 को पूरे देश को में जो है स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया कि हम जो है वो पूर्ण स्वराज्य की डिमांड करते हैं और हमारा जो देश है वो अब स्वतंत्र हो जाएगा। पर 1926 से लेकर 31 तक के बीच की ही बात कर रहे हैं, तो 30 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम में से दांडी तक की यात्रा की, 385 किलोमीटर पैदल चले नौसारी जिले तक गुजरात में, और 3 अप्रैल 1930 को पहुंचकर वहां पर नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा, जिसे बाद में सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्या कह रहा हूं, सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से जानते हैं, तो की शुरुआत कर दी थी। 12 नवंबर 1930 को लंदन में गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन कितने हुए हैं, तो एक 1923
30 में हुआ है, फिर उसके बाद 31 में हुआ है, फिर 32 में हुआ है। तीन सम्मेलन हुए, 30, 31, 32 याद रखिएगा। पहले सम्मेलन में जब 1930 में हुआ था तो गांधी जी को ने जो है इसकी अध्यक्षता नहीं की है। 31 वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, दूसरे सम्मेलन में जो है गांधी जी ने जो है अध्यक्षता की थी, और पहले में ये अरेस्ट कर लिया था गांधी जी को। याद रखिएगा, ये लिखा हुआ है हमने नोट्स में कि इन्होंने पूना में जो है यवदा जेल में थे, इनको अरेस्ट कर लिया था 6 मई 1930 को, इसलिए इन्होंने जो गोल मिसबेलन में जो कांग्रेस के भाग नहीं ले पाए थे। इसके आगे चलूंगा मैं, इलाहाबाद के एल्फर्ड पार्क में चंद्रशेखर आजाद द्वारा जो है पुलिस की मुठभेड़ हुई थी और 27 फरवरी को ये शहीद भी हो गए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट रखने वाली बात है कि 27 फरवरी को जो है वो चंद्रशेखर आजाद जो है मुठभेड़ में, यानी कि पुलिस वालों ने अटैक कर दिया था उनके ऊपर। तो आगे आता है 31 में गांधी इरविन समझौता हुआ, जिसमें सभी ने अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए किया गया था, गांधी इरविन समझौता। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई है 1934 में, आचार्य नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण द्वारा की गई थी। किसकी? कांग्रेस समाजवादी पार्टी। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में लॉर्ड इरविन के ही समय में हुई है। तो ये सभी वायसराय जो है आज हम पूरे के पूरे इस वीडियो में कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड विलिंगटन। सितंबर से लेकर दिसंबर तक हुए लंदन के द्वितीय गोल में सम्मेलन में जो है द्वितीय, यानी कि दूसरा हुआ है, यानी कि 1930 में हुआ था। ठीक है प्यारे बच्चों, 1930 में हुआ था, उसमें गांधी जी का के प्रतिनिधित्व में किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। और द्वितीय जब हुआ था तो ये असफल रहा, और गांधी जी ने 3 जनवरी 1932 को पुनः सभी ने अवज्ञा आंदोलन फिर से आरंभ कर दिया। उन्होंने गोल में सम्मेलन से जो है वो साइड लेते हुए, यानी कि उससे असफल मानकर सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिया था। इसके बाद आता है लॉर्ड विलिंगटन में ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे रेंगजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय लिया था। इनकी घोषणा में ही मुसलमान यूरोपियन सिखों को पृथक अलग अलग मंडलों में बांटा था। तो आप इनको भी देखें, इसको हम पूना समझौता आप भी कहते हैं, 1932 में हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसमें के जो विरोध किया था वो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसके आगे मैं बता देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इन्हीं के काल में, किसके काल में? विलिंगटन, लॉर्ड विलिंगटन के ही समय में 24 दिसंबर 1932, ये याद रखिएगा, 1932 को तीसरा सम्मेलन गोल में सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस ने भाग ही नहीं लिया था, कहानी खत्म। ठीक है, 1933 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है के छात्र चौधरी रहमत अली ने जो है कैम्ब्रिज पंपलेट में नो एंड नेवर, पंपलेट का मतलब पोस्टर की बात कर रहे हैं बच्चों, में उन्होंने ये छाप कर जो है पाकिस्तान निर्माण के लिए जो है पृथक योजना जो है वो प्रस्तुत कर दी थी, यानी कि पाकिस्तान की अलग ही डिमांड कर दी। भारत सरकार अधिनियम 1935 को पास किया गया है, जिसमें भारत का वायसराय पुनः गवर्नर जनरल कहलाएंगे, ये उसके ऊपर किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं लॉर्ड लिंथिग्यो। नेक्स्ट अधिनियम था, प्रथम आम चुनाव करवाए गए थे जो कि संपन्न हुए थे 11 प्रांतों में, 6 में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत मिला था, और अन्य जो गठबंधन से सरकार भी बनाई गई थी उस वक्त भी। और 39 में जो है द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, आपको पता है 1939 से 45 तक सेकेंड वर्ल्ड वार हुई है, जिसमें कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया अपना, और न कोई भाई दो न कोई पाई दो का नारा भी उसी वक्त लगाया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में जो है विवाद होने से
अध्यक्ष पद से त्याग दिया था और फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी का गठन किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है वो किसने किया था और कब किया था, 39 में किया था, याद रखिएगा। 40 में लीग लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई थी और ये प्रस्ताव जो है अंग्रेजों ने 1940 में लाया था, 8 अगस्त 1940 में लाया था। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पनवार आश्रम में विनोबा भावे को की अध्यक्षता में जो है स्थापना की थी और पहला सत्याग्रही जो है वो विनोबा भावे बने थे इनके समय में। 1942 में क्रिप्स मिशन में जो है भारत आया था, परंतु गांधी जी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक की जो है वो संज्ञा दे दी थी, यानी कि उनको जो है पोस्ट डेटेड बोला था, यानी लेट बोल दिया था। 1942 में जो है कांग्रेसों ने जो है भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था, किसके, लॉन लिथलिको के काल में, जो कि 36 से 43 के बीच का रहा है। इन्हीं के समय में जो है विभाजन करो और भागो का जो है प्रसिद्ध नारा भी दिया गया था, जो कि मुस्लिम लीग नेताओं के द्वारा दिया गया था कराची में 1943 में, और भारत में नियुक्त अंग्रेज गवर्नर जनरलों वो वायस रायों ने इनका कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का रहा है, किसका, लॉर्ड लिथलिको। तो ये याद रखिएगा, सबसे लंबा वायस राय का कार्यकाल किसका रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आता है लॉर्ड बेबल, जो कि 43 से 47 तक कर रहे हैं, 43 से 47। ब्रिटेन में आम चुनाव हुए थे तो कंजर्वेटिव पार्टी की हार हो गई और क्लीमेंट एटली के नेतृत्व में जो है लेबर पार्टी जो है वो सत्ता में आ गई थी। सत्ता में कौन सी पार्टी आ गई थी, लेबर पार्टी उस वक्त आ गई थी। और फिर क्या हुआ, 1945 में आजाद हिंद फौज के सिपाहियों ने दिल्ली के लाल किले पर जो है मुकदमा चलाया, जिसमें के बचाव में जो है बचाव के लिए भूला भाई देसाई जो थे वो वकील बनाया गया था उन्हें। और दिसंबर 1945 में इटली ने जो है भारत को स्वतंत्र करने के लिए जो है ऐतिहासिक घोषणा कर दी थी, किसके काल में, लॉर्ड बेबल के काल में जो है भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा की गई है 45 में। और मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, इस मिशन में का के सदस्य स्कॉट केम्स और पैथकिक लॉरेंस, एमबी अलेक्जेंडर, कांग्रेस के कैबिनेट मिशन के लिए स्वीकार किया था प्रस्तावों को, और मुस्लिम लीग ने जो है कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस के रूप में जो है आयोजन किया। और 1947 में प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में ये घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश सरकार जो है किसी उत्तरदायी सरकार के हाथ में सत्ता सौंप देगी, यानी कि देश को आजादी मिल जाएगी। प्यारे बच्चों, ये घोषणा जो है हाउस ऑफ कॉमन की जो घोषणा है वो जून 1948 में ब्रिटिश सरकार जो है वो उन्होंने उत्तरदायी सरकार के हाथ में जो है वो बच्चों क्या कर दी थी, सौंप दी थी। इसी के साथ में आगे चलते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन का जो समय काल था 1947 से 48 साल का रहा है, लगभग एक साल का। प्यारे बच्चों, ये भारत में अंतिम गवर्नर जनरल, यानी कि स्वतंत्र भारत के भी बात कर सकते हैं हम और पुराने यानी कि गवर्नर जनरल की भी बात कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये गवर्नर जनरल जो थे वो अंतिम गवर्नर जनरल बने थे। कौन बने थे प्यारे बच्चों, तो पहले स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल बने थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम भी यही थे, क्योंकि जाने लगे थे तो देश को छोड़कर तो
हमारे देश को चलाने के लिए इन्हीं को हमने कहा कि आप ही को गवर्नर जनरल बना देते हैं, बाद में देख लेंगे भैया। तो बाद में जिनको देख लेंगे वो कौन थे? वो थे चक्रती राजगोपालाचारी। कौन थे प्यारे बच्चों? चक्रती राजगोपालाचारी, जो कि अंतिम गवर्नर जनरल और स्वतंत्र भारत के जो है गवर्नर जनरल बनाए गए। और जून 1948 से लेकर 50 तक यही रहे हमारे स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। और 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति पद पर जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित घोषित किया गया और देश को आजादी मिली। और पहले हमारे राष्ट्रपति के नाम से जो है वो कौन बैठे? वो बैठे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये है लॉर्ड माउंटबेटन के समय में कार्यकाल हुआ, इसको आप दिमाग में रखिएगा प्यारे बच्चों। और मैं बता दूं कि 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में भारतीय स्वतंत्रता विधेयक, याद रखिएगा 4 जुलाई 1947 को जो है ये विधेयक, स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया और भारत की आजादी के लिए स्वीकृति मिली विधेयक में। और भारत दो भागों में, यानी कि भारत और पाकिस्तान दो राष्ट्रों में बांट दिया गया। लॉर्ड माउंटबेटन के समय में दो राष्ट्र बन गए, एक भारत दूसरा पाकिस्तान। और पाकिस्तान को जो है वो 14 अगस्त को आजाद किया गया और 15 अगस्त को जो है वो उन्होंने अगला, यानी कि अगला दिन 15 अगस्त का जो है वो भारत के लिए सुनिश्चित किया आजादी के लिए। और 15 अगस्त को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? आकाशवाणी दिल्ली के ऊपर, आकाशवाणी दिल्ली से जो है यानी कि रेडियो पर प्रसारण पर जो है देश की आजादी का जो है वो डंका बजाया और सबको, यानी कि देश को संबोधित किया। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने देश की आजादी के लिए। इसके बाद क्या हुआ था? इसके बाद ये था जो कि धारा 370 जो आज नरेंद्र मोदी द्वारा हटाई गई है, उसकी कहानी है छोटी सी, कि महाराजा हरि सिंह ने इसके साथ जो है जवाहरलाल नेहरू ने करार किया था कि आपके, यानी कि हमारे जम्मू कश्मीर का संविधान और भारत के जो जम्मू है उसी का जो झंडा है वो अलग होगा। ये उन्होंने करार किया था और उसका विलय जो है जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 15 अगस्त के बाद हुआ है विलय जम्मू कश्मीर का भारत में, याद रख लीजिएगा प्यारे बच्चों। तो 1947 को भारत में जो है विलय करने का समर्थन किया था हरि सिंह ने। और महात्मा गांधी की जो हत्या है वो नथुराम गोडसे के द्वारा 30 जनवरी 1948 को की गई है, जिसे हम शहीदी दिवस या शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं, याद रखिएगा सभी प्यारे बच्चों। ये थे वायसराय, जो कि भारत के जुड़े हुए वायसराय या आज तक वायसराय से जुड़े हुए सवाल। एक बार जरूर इन नोट्स को मेंटेन करके बनाइएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों को भी फैलाइएगा और बने रहिएगा इस चैनल पे विजयपथ गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन पे। दोबारा मिलेंगे हम नए किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।